Hey, what's up everyone? This is Grakshat and you're watching my channel. अब thumbnail और title देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में, और मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। अब क्रोम तो हम में से बहुत सारे लोग सभी ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं क्रोम को, और कभी कभी जो हमारा टैब होता है जो जिस पर हम अभी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने यूट्यूब खोल के रखा है और एकदम से बंद हो जाता है, सो उसे वापस लाने के लिए यानी रिस्ट्यू करने के लिए हम वापस हिस्ट्री में जाते हैं, उसे रीओपन करते हैं। अब एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बट आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसमें आप सिर्फ एक क्लिक में, पिछली बार दो क्लिक्स में मैंने आपको वीडियो डाउनलोड करना सिखाया था, इस बार सिर्फ एक क्लिक में आपका जो टैब है वो रिस्टोर हो जाएगा। और अगर आपको पुरानी ट्रिक वीडियो देखनी है तो अभी कार्ड में आ चुका ही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस टिप दी है अबाउट दिस ब्राउजर्स एंड रिस्टोरिंग, सो उसे भी ज़रूर देखना। देन मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा पीसी स्क्रीन में आते हैं। सी यू गाइस आफ्टर द इंट्रो। सबका बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा प्रीसी स्क्रीन में आ चुके हैं आपके सामने। मेरा चैनल खुल चुका है, ये जो मेरा चैनल है, और अब मैं आपको यही ट्रिक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैसे कि जो आपके टैब्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, फिर रीओपन करना है तो आप कैसे करोगे सिर्फ दो एक क्लिक में। और जैसे कि बहुत सारे मल्टीपल टैब्स होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि आप 3 टैब्स यूज़ करो आपने तीनों बंद कर दिए, तो वो भी मैं आपको रीओपन करना दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने चैनल की कुछ 4 वीडियोज़ खोल दिए, और उस पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इन्हें वापस रिस्टोर कर सकते हो। अब सबसे पहले ये वीडियो आती है जो मैंने मोबाइल पे बनाई थी, हाउ डज ए फोन नेटवर्क वर्क्स, अगर आपको देखनी है तो ज़रूर देख लेना। अब मैं आपको इसे दोबारा रीओपन करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने विंडो है ये मैंने जैसे कर दिए क्लोज, ओके। अब सिर्फ हमारे पास ये 3 विंडोज़ बची हैं, ये 3 वीडियोज़, तो इसे अभी अगर हमें रीओपन करना है तो ये जो टैब बार होती है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर इधर आ जाएगा रीओपन क्लोज टैब। अब इसका कीवर्ड शॉर्टकट है जो है कंट्रोल शिफ्ट टी, आप इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। अब ये मैंने कर दिया रीओपन क्लोज टैब, अब वो अपना वीडियो ओपन हो जाएगी, कुछ देर में थोड़ी अभी लोडिंग चल रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये रिस्टोर्ड विंडो ओपन हो चुकी है हमारे स्क्रीन के सामने, और ये वही टैब है जैसे कि आप देख सकते हो, ये हाउ मोबाइल फोन वर्क्स। अब मैंने आपको सिंगल टैब को तो रीओपन करना दिखा दिया, वो बहुत इजीली हो जाता है। अब आप कहोगे कि आपने 2 टैब्स बंद कर दिए तो उसे हम रीओपन कैसे करें, बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रिक है, आपको मल्टीपल टैब्स का भी बता देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास 4 वीडियोस ओपन है, ओके। अब मैं एक एक करके इन चारों को बंद कर दूँ। पहले मैंने मोबाइल फ़ोन वाली वीडियो बंद की, फिर ये जो आर्मी डे परेड थी इसकी वाली मैंने टैब बंद कर दिया, और जो मैंने कोविड पर अपडेट्स बनाए थे उसकी वीडियो भी बंद कर दी, ओके। अब ये मैंने 3 वीडियोस बंद कर चुका हूँ, सो हमारा दोबारा सेम ही प्रोसेस रहेगा। हमें दोबारा इधर राइट क्लिक करना है टैब बार पे, फिर या तो आप कंट्रोल शिफ्ट टी करो जो है शॉर्टकट की, या तो आप री ओपन क्लोज टैब्स करो। अब ये मैंने कर दिया, कोविड वैक्सीन वाली वीडियो आ चुकी है, ओके। अब हम दोबारा एक बार करेंगे रीओपन क्लोज टैब। अब नेक्स्ट टाइम हमारी आर्मी डे परेड वाली भी वीडियो आ चुकी है, सो इससे आपको ये पता चलता है कि मल्टीपल टैब्स भी एक साथ कर सकते हो। बट अभी एक और वीडियो बची है जो है हमारे फ़ोन नेटवर्क के ऊपर। अब मैं दोबारा से करूँगा रीओपन क्लोज टैब, सो हमारी फ़ोन नेटवर्क वाली जो वीडियो है वो भी अपने आप ओपन हो जाएगी। सो इससे आप मल्टीपल टैब्स और ये सब एक साथ कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलोगे कि हम तो क्रोम यूज़ नहीं करते, हम तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, तो क्या ये सेम ट्रिक इसमें भी वर्क करेगी? तो इसका आंसर है येस। अब मैं आपको प्रैक्टिकल उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रिक सेम वर्क करेगी। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने अपना चैनल खोला हुआ है, सो इसमें मैं अपनी एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, जो वीडियो है। अब आप बोलोगे कि अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर पे हूँ तो इसे दोबारा रीओपन कैसे करूँ? अब मैं आपको सिखाया था, पहले हम इसे क्लोज कर देते हैं एग्जांपल के लिए। अब वापस होम पेज पे आ चुका है, अब हमें वो वाली वीडियो वापस लानी है। सो आप इधर अपने टैब पर राइट क्लिक करोगे, और इधर आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेम जो क्रोम में भी था, कंट्रोल शिफ्ट टी उसकी शॉर्टकट की है रीओपन क्लोज टैब। आप उस पर दबा दोगे, देखो अपने आपकी वीडियोस आ जाएंगी, आपकी वीडियोस ओपन हो जाएगी। अब ये जो ट्रिक है ये मल्टीपल टैब में भी वर्क करती है, सिंगल टैब में भी वर्क करती है, दोनों माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में और गूगल क्रोम में। अब हम बात कर लेते हैं अपनी बोनस ट्रिक की, जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं आपको एक बोनस ट्रिक दूंगा इस वीडियो के एंड में। सो सबसे पहले हमें अपने टैब्स बंद कर देते हैं और अपने चैनल का टैब ओनली ओपन रखते हैं। अभी ये मेरा चैनल आ चुका है। अब आप में से बहुत लोग क्या करते हो कि आपको ये दोबारा चैनल खोलना, आप दोबारा यूट्यूब पर जाओगे, दोबारा मेरा चैनल सर्च मारोगे, फिर चैनल खोलोगे, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोनों टैब्स में सेम चीज़ ही ओपन करनी है तो आपको ये जो आपके टैब की विंडो है इसमें आपको राइट क्लिक करनी है, और इधर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा डुप्लीकेट।
आप उस पर दबाओगे तो अपना मेरा चैनल सेकेंड टाइम भी खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे मेरा चैनल आ चुका है। आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं, आप वापस यूट्यूब में जाओगे दोबारा मेरा चैनल सर्च मारोगे। सो एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो बहुत सारे लोगों को पता भी होगी बट कुछ को पता ही नहीं होगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस चैनल पर और ऐसी ट्रिक्स वीडियो और टिकटॉक्स पर वीडियोज डालूंगा, अगर आपको देखनी हो तो ज़रूर देख सकते हो। और आज की वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। देन सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़।